बच्चों में अनिद्रा की परेशानी जो होती है या दिन में अर्धनिद्रा की परेशानी होती है, इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे हॉस्पिटल से। एक सर्वेक्षण किया गया 1125 बच्चों का, जिनकी उम्र 12 से 18 साल की थी। वो सर्वेक्षण में ऐसा पाया गया कि 20% लोग, मतलब 20% बच्चे अर्धनिद्रा की अवस्था में दिन में रहते, ऐसा उनको झपकी जैसी आती बीच बीच में। 25% बच्चे, उनको अनिद्रा के लक्षण दिन में दिखाई दिए, और लक्षण इसका मतलब रात को वो नींद नहीं ले रहे और वो लक्षण उनको दिखाई दे रहे दिन में। और 4% ऐसे बच्चे थे कि जिनको पूरा निद्रा नाश था, उनको नींद ही नहीं आती थी, आती थी तो कुछ घंटे नींद आती थी। तो नींद का रात को नहीं आना या रात को गहरी नींद नहीं आना, ये काफ़ी लोगों को परेशानी होती रहती है। देखो, हमारा ब्रेन जो है वो मतलब कंडीशन है कि उसने आराम करना चाहिए, नींद लेना चाहिए, और यूजुअली 6 से 8 घंटे नींद लगती है, और बच्चों में वो 8 से 9 घंटे लगती है। नींद नहीं आती बराबर या नींद नहीं लेते हैं तो जीवन का दर्जा जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो निचला हो जाता है, घसर जाता है। यदि रात को नींद नहीं आई तो दिन में सचेतन नहीं रहता मन, और फिर लक्ष्य केंद्रित नहीं होता कोई काम में, जागरूक नहीं रहता, फोकस नहीं होता, अटेंशन नहीं रहता है उसका। और फिर यदि ब्रेन दिन में सचेतन नहीं होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन कैसा बना हुआ है, ब्रेन हमारा ऐसा बना हुआ है कि वो दिन में सचेतन रहता है, अटेंशन में रहता है, जागरूक अवस्था में दिन में रहता है। और वो यदि जागरूक अवस्था में दिन में नहीं रहा तो फिर भुलक्कड़पन आना, लक्ष्य केंद्रित नहीं होना, कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन नहीं होना, फिर चिड़चिड़ापन होना, भावना का अतिरेक हो जाना, या फिर गुस्सा करना, ऐसे अलग 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 लक्षण उसमें दिखाई देते रहते हैं। कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, एक्सीडेंट, और कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है और हमको समझता नहीं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्योंकि झपकी लग जाती है और फिर उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये लोगों में रात को गहरी नींद नहीं आती फिर, और वो बार बार उनको उठना पड़ता है, मूड बदलते रहते हैं, तो फिर लोगों से संबंध खराब हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? एक तो ब्रेन का कंडीशनिंग ऐसा हो चुका है कि अभी वो चक्कर उल्टी हो गई, मतलब साइकिल उल्टी हो गई, दिन में झपकी आती रात में नहीं आती, तो साइकिल अभी चेंज हो गई, नंबर एक। नंबर दो, ये कुछ लोग रात को देर तक व्यायाम करते रहते, एक्सरसाइज, कसरत करते, उससे फिर रात को जल्दी नींद नहीं आती, या फिर सिगरेट, तंबाकू का सेवन करना, या चाय कॉफ़ी देरी से लेना, या फिर रात को सोने के समय मोबाइल, टीवी, उसमें उत्तेजनात्मक कार्यक्रम देखना, तो ऐसे उसमें लक्षण में मतलब रहते हैं, ये प्रॉब्लम रहते, उसके कारण को रात को नींद नहीं आती। अब इसका उपचार क्या है? उपचार यह है कि समय पर सोना और समय पर उठना, ये करना वो जरूरी है। मतलब नींद आती भी नहीं है तभी समय पर बेड पर जाना, और नींद कितनी भी लेट आ गई तभी समय पर उठना है सुबह। और ये यदि कुछ दिन तक करते कि समय पर सोना, समय पर उठना, तो ये साइकिल बराबर लाइन पे आ सकती है। और कुछ लोग नहीं तो दिन में निद्रा ऐसी बीच बीच में कभी भी झपकी आएंगी, इसके लिए फिर क्या करते कि एक प्लान बनाते हैं, और वो प्लान में एक 20 मिनट की या 30 मिनट की वो झपकी ले लेते हैं, एक छोटी सी नींद हल्की सी ले लेते हैं, ताकि वो बाद में एकदम अलर्ट रहेंगे। तो वह प्लान बना सकते हो कि दिन में एक 20-30 मिनट की झपकी लेना, एक प्लान हो सकता है, या फिर समय पे उठना, समय पे सोना, यदि बराबर प्लानिंग में किया तो रात की जो स्लीप अवेक साइकिल जो है वो बराबर लाइन पे आ जाएंगी, और कुछ दिन बाद में इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो अवस्था है बच्चों में, किशोर अवस्था में, ये जो नींद नहीं आने की है, निद्रा नाश की अवस्था जो है, उसके मैंने लक्षण बताए। काफ़ी लोग नींद नहीं आने से फिर दिन में प्रॉब्लमेटिक उनको महसूस होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो ये वीडियो जरूर लोगों को शेयर करो, उनको बताओ। आपको अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।